वहां से जो है वो स्ट्रेट लाइन का पूरा आइडिया जो है वो शुरू हुआ एंड अभी तक सफर चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसा आपने मेंशन किया कि आपको लिखने का बहुत शौक था, तो मैं जानना चाहती हूँ इज इट अबाउट द फिक्शन थिंग या नॉन फिक्शन में आप लिखते हैं? शुरू जब मैंने किया था कंटेंट राइटिंग में, तब तो मैं सिर्फ फिक्शन लिखती थी, और तब मुझसे कोई अगर पूछता भी ना कि भाई कभी जिंदगी में आप कभी नॉन फिक्शन लिखोगे, तो मैं कहती थी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं लिखना नॉन फिक्शन। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने राइटर्स होते हैं वो अपनी ड्रीम्स से स्टार्ट करते हैं, राइट? आई डोंट नो इफ यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, राइट? क्योंकि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं हमें पता है कि कुछ हमारे ख्याल हमारे दिल में होते हैं जिन्हें हम पन्ने पर उतारते हैं। उसके बाद जब आपने फिक्शन लिखना स्टार्ट किया होगा, उसके बाद नॉन फिक्शन की जर्नी, क्योंकि अब जो है आप एज जर्नलिस्ट या फिर एज एंकर बहुत कुछ लिखती हैं, कॉन्टेंट राइटिंग फॉर एग्जाम्पल यू मैंशन, तो उसमें आपकी तब्दीली कैसे हुई और क्या पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है जितने लिसनर्स हैं अगर वो लिखना चाहते हैं तो वो जो है उनके लिए क्रूशियल हो सकते हैं? जब मैंने वही है ना कि न्यूज़पेपर में जब मैंने स्टार्ट किया, तो अब न्यूज़पेपर में तो आप फिक्शन लिख नहीं सकते क्योंकि आपको कोई कहानी अगर आप बनाओगे तो वो छपेगी नहीं कहीं पे, तो इसलिए मुझे लगा कि अब जम्मू में अगर मुझे कोई मार्केट ढूंढनी है जो लोग मेरी स्टोरीज पढ़ें, तो वो फिक्शन में मार्केट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, न्यूज़पेपर में चांस मिला है, तो नॉन फिक्शन में कम से कम अपना हाथ ट्राई करके देखते हैं कि मैं लिख पाती हूँ या नहीं लिख पाती हूँ, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो कम से कम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे कि एक चीज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ थी मेरे माइंड में जो जिसने ये ड्राइव किया कि क्या मैं नॉन फिक्शन लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, तो उस वजह से मैंने लिखना शुरू किया। और एज फॉर कि अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए कि आप अच्छा लिखना चाहते हैं, पहली चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ें, अगर आप पढ़ नहीं रहे तो मत सोचिए कि आप कमाल का लिखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैंने कभी कोई किताब पढ़ी नहीं है लेकिन मैं लिख बहुत अच्छा लेता हूँ, लेकिन आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग होने के लिए और आप जो भी लिख रहे हैं उससे रीडर्स कनेक्ट कर पाए, तो तभी एक रीडर और एक राइटर के बीच में ट्रस्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए कि जो आपकी कहानी पढ़ रहा है या जो आपकी खबर पढ़ रहा है क्या वो उस पर विश्वास कर पा रहा है या नहीं, और वो ट्रस्ट आप तभी एस्टैब्लिश कर पाएंगे जब आपने बाकी लोगों को पढ़ा होगा कि जो लोग आपसे भी कई साल पहले से इस फील्ड में ऑलरेडी हैं वो क्या काम कर चुके हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। क्यों राइटिंग की टिप्स में पहला तो यही है कि बहुत ज्यादा पढ़ा करें, दूसरा प्रैक्टिस किया करें, दिन में 100 वर्ड्स ही अगर आप लिख रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करें क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी की है। अगर आपने लिखना छोड़ दिया और आप सोचेंगे कि मैं 10 महीने बाद भी अगर लिखूंगा तो मेरी राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी जितनी 10 महीने पहले थी, तो वैसा नहीं है। हर एक काम को अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छा करते रहेंगे, अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो जंग लगना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि इनका कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, अगर ये आपके अंदर है फिर भी उसे निखारने के लिए जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बोला इन्फ्लुएंस रहता है राइटर्स का, व्हाट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, कौन ऐसे राइटर्स हैं जिनको आप पढ़ के या फिर जर्नलिस्ट जिनके अगर कुछ भी लिखा हुआ पढ़ के आपको लगता है नो ही इज़ द वन या शी इज़ द वन हु आर वर्थ इट? आई थिंक इंडिविजुअल्स नहीं है, मेरे लिए बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशंस हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। अगर आप इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशंस है, एटलांटिक है, फॉरेन अफेयर्स है, जिसमें बहुत थॉरो आर्टिकल्स आते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है ना तो आप उनका एक आर्टिकल उठा लें, उसमें हर एक एस्पेक्ट के ऊपर इतने अच्छे तरीके से बात की जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये होती है राइटिंग, आपको पता चल रहा है कि इसमें गलतियां कहाँ कहाँ पे है किसी चीज की या कौन कौन सी एस्पेक्ट्स छोड़े गए हैं और क्यों छोड़े गए हैं, वो तक चीजें जो है वो मेंशन करते हैं अपने राइटिंग में, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो बता रहे हैं कि मैं जब ये रिपोर्ट करने लगा था तो इसमें क्या क्या चीजें हुई और किस वजह से ये रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो बहुत इंस्पायरिंग है। उसके अलावा अगर मैं फिक्शन की बात करूं तो मैं जब छोटी सी थी तब से मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तो हैरी पॉटर की सीरीज है जो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट थी, जो मैंने बहुत बार पढ़ी है, और उसकी वजह से मुझे लगा कि यार राइटिंग तो इतनी पावरफुल है कि इसके जरिए आप इतने लोगों में पहुंच सकते हो अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि जब मैंने उसके बाद जानने की कोशिश की थी ये हैरी पॉटर सीरीज सिर्फ मुझे ही पसंद है या दुनिया भर को पसंद है, तो देखा कि इतने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, इतनी कंट्रीज में पहुंच चुकी है और हर एक को पसंद है। और आई थिंक फ्रॉम अ फीमेल राइटर, क्योंकि हैरी पॉटर जिसने लिखी है शी इज़ ऑल्सो फीमेल राइटर, और टू द फीमेल राइटर आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जर्नी है कि वो आप तक पहुंची और आप आज तक हजारों या लाखों तक।
बीइंग इन द इंडस्ट्री, क्या प्रॉब्लम्स रही आपको फेस करने में जर्नलिज्म में, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर जेंडर? बिकॉज जब हम बात करते हैं अब आप एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पे आप अपना जो है करियर एज जर्नलिस्ट तो आप परस्यू कर रही हैं, बट साथ ही साथ आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की रेंज में भी हैं, आप अपना बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि आप एक तरफ साइड हसल कर रही हैं, एक तरफ कॉन्टेंट राइटिंग, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, लेकिन उन एक पूरी जर्नी में क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिली? आई थिंक मुझे एज एन इंडिविजुअल इतनी प्रॉब्लम्स फेस इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि कश्मीर टाइम्स में भी जो मेरी पहली एडिटर थी वो भी फीमेल थी, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए. उसके बाद जब मैंने अपना ब्रांड स्ट्रेट लाइन शुरू किया तो आई वॉज द डिसीजन मेकर, आई वॉज द फीमेल, मेरे न्यूज़ रूम में बहुत सारी लड़कियां थी, तो उसमें भी कभी उस तरीके का महसूस ही नहीं हुआ कि आई एम बीइंग इनहिबिटेड, कि मुझे रोका जा रहा है जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल. हाँ, वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो हर एक फीमेल जर्नलिस्ट को आती है कि आपको शाम को कभी किसी स्टोरी के लिए निकलना है, कुछ अर्जेंट जो है रात के 2 बजे हो गया आपको बाहर जाना है, या कहीं पे कोई वायलेंस हो रही है वो आपको कवर करने के लिए जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके आसपास भी जो लोग होंगे वो ज़्यादा कोशिश करेंगे केयरफुल होने की आपके मामले में, जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल एज कम्पेयर टू कोई मेल अगर कैमरामैन है या कोई मेल अगर रिपोर्टर है, तो उसके केस में वो इतना केयरफुल नहीं होंगे, वो कहेंगे कि आप जाओ फील्ड में, आप खुद को संभालो. लेकिन इफ यू आर अ फीमेल आपके केस में होगा कि वहां पर अगर पुलिस खड़ी है वो भी कहेंगे कि आप थोड़ा पीछे रहे मैडम, अगर आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं वो भी अगर होंगे वो भी कहेंगे मैम आप थोड़ा पीछे रहे, कि आपको कुछ होना नहीं चाहिए. तो ये चीज जरूर देखने को मिलती है, लेकिन इनहिबिशन नहीं है, आई थिंक मोस्टली केयर है जिस वजह से वो किया जाता है कि भाई आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे इस सिचुएशन में या नहीं, इसलिए हमें नहीं पता, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपके आसपास थोड़ा केयरफुल हो जाए. बट आई थिंक दैट्स अ स्वीट थिंग दो, क्योंकि मुझे लगता है अगर केयर है तो अच्छी बात है, लेकिन वो केयर जो है दूसरे की इनकेपेबिलिटी में ना बदले, बस दिस इज द थिंग. एंड एज यू मेंशन आई थिंक यू हैव बीन लकी, और आई थिंक कि जितनी भी फीमेल सुन रही हैं जो कि परस्यू करना चाहती हैं उनके लिए भी ये है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट देन गो फॉर इट, क्योंकि आपके लिए बहुत से एवेन्यूज खुले हुए हैं. तो अब हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला कि अब आप स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई थी, अब प्रेजेंट में क्या कॉन्टेक्स्ट, आप उसके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अब तो मैं रिजाइन कर चुकी हूँ स्ट्रेट लाइन से ऑफिशियल पोजीशन में, आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का एक और पड़ाव जो है वो शुरू होने वाला है. आई एम अबाउट टू टेक ऑन अ न्यू जॉब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, अभी तक मैंने वहाँ पर भी ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना है, लेकिन अभी आई एम इन बिटवीन टू सिचुएशंस, और वहीं बीच में मैं कोशिश अभी भी कर रही हूँ कि अगर मुझे कुछ फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या कुछ मेरी एग्जिस्टिंग फेलोशिप्स चल रही हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड या अलग अलग टॉपिक्स पे, तो वो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, कि उसमें मेरी जो पहले की कमिटमेंट्स हुई हैं वो कम से कम कम्प्लीट हो जाए इससे पहले कि मैं कोई नया कदम जो है वो लूँ. तो इसका मतलब आपको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब आप एक एक्सप्लोरर होते हैं तो जो जितनी भी नॉलेज आप जितने फील्ड से गेन करते हैं आई थिंक यू कैन पुट इट इनटू वन यूज. अब मैं जानना चाहती हूँ कोई ऐसे टिप्स या फिर कोई ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहती हैं हु वॉन्ट्स टू कम टू जर्नलिज्म इंडस्ट्री, और साथ ही साथ जो अपने सपने देखते हैं टूवर्ड्स देयर गोल, क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आप शेयर कर सकती हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस या फिर थ्रू सम कोड. प्लीज, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस में एक चीज़ मैं कहूँगी कि मैं आज एक जर्नलिस्ट नहीं बनती अगर मुझे फ्रॉम अ यंग एज एक गाइड के तौर पे या एक मेंटोर के तौर पे कोई नहीं मिला होता जो मुझे बताता कि जर्नलिज्म करना कैसे है. बहुत सारे लोग आज के टाइम में जर्नलिज्म कर रहे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म सीखा कभी नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप कभी गलती करते हैं तो आपको बताने वाला कोई नहीं होता कि आप गलती कर रहे हैं, इसे आप सुधारें किस तरीके से. मेरे मामले में आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे वो मेंटोर जो है वो शुरू से मिल गया, जिसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं की जाती, ये चीज़ आप गलत लिख रहे हैं, या ये सवाल आप गलत पूछ रहे हैं, या इस चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आप नॉलेज गेन करें उसके बाद आप इस चीज़ को लेकर बात करें. तो वो सारी चीज़ें सिखाने वाला कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए. इसलिए कहती हूँ कि मैं इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि मैंने पहले न्यूज़पेपर में या न्यूज मैगजीन्स में या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में लिखा, काम किया, समझा काम कैसे करते हैं, उसके बाद जाकर अपना काम शुरू किया. आज के टाइम में बहुत ज्यादा इजी है फेसबुक के ऊपर एक पेज बना लेना, उस पर इमीडिएटली जो है रिपोर्ट करना शुरू कर देना, लेकिन आप जब तक कहीं से सीखोगे नहीं, आप किसी से गाइडेंस नहीं लोगे, तब तक जो है आपके काम में वो निखार नहीं आएगा जो निखार आना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. जो भी आप खबर किसी को सुना रहे हैं
वो लोग आपकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो उस खबर को सुन भी रहे हैं और उसको मान भी रहे हैं। आप अगर किसी को कोई गलत खबर सुना रहे हैं तो आप बेसिकली विश्वासघात कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जिसने बड़ा ट्रस्ट करके आपकी बात को सुना है, समझा है, माना है। इस वजह से जर्नलिज्म करने कोई भी अगर जा रहा है, पहली चीज ये कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो पहले गेन करें, पढ़ें। किसी चीज के बारे में अगर नहीं मालूम है उसके बारे में पहले डिटेल्स मालूम करें, फिर जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करें। और दूसरी चीज, कभी मत सोचें कि मुझे तो बस अब सब कुछ आ गया, मैं तो अब जर्नलिज्म में पीक पर पहुंच चुका हूं, मुझे लाखों लोग देख रहे हैं तो मतलब मुझे जर्नलिज्म करना आता है। आज के टाइम में कहीं पर आप फेसबुक पे देखेंगे तो कुकिंग वीडियोस होती है ना, जिसमें ढाबे पर बैठा कोई व्यक्ति जो है वो कोई ऑमलेट बना रहा है कुछ, उस वीडियो को भी 2.5 मिलियन लोग देख चुके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही ढाबे वाला है जो कमाल का ऑमलेट जो है बनाता है, लोग दुनिया में और भी ऑमलेट बना रहे हैं। आप कैसा काम कर रहे हैं इसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको कोई नहीं देगा, इसका सर्टिफिकेट आपको खुद देखना है कि क्या आप आज जो काम कर रहे हैं वो कल से बेहतर है कि नहीं, क्या आप कल जो काम करेंगे वो आप आज से बेहतर करेंगे या नहीं, क्या आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं या आप देख रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज पर ज्यादा व्यूज आएंगे, चलो वही करते हैं। इसके लिए जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इन्फ्लुएंस को समझें, और ये भी समझें कि आप बेसिकली सिर्फ एक माध्यम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, ना आप जर्नलिज्म के जरिए जो है अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं। आपको बस खबर सुनानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, सो आई थिंक दिस इज द थिंग जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पॉइंट आउट की है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको अपनी खुद की जो कमियां हैं उन्हें जानना है, ना कि उन्हें नकारना है और फिर उन पर काम करना है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशन में आई थिंक इट इज द की पॉइंट। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं जम्मू की जनता से या जम्मू कश्मीर की जनता से कि वो आपको देखें, सुने या आपसे कुछ सीखें, एंड दे ऑलवेज सपोर्ट यू। प्लीज, मैं तो ये चाहती हूँ कि और बहुत सारी ऐसी फीमेल जिनको लगता है कि वो इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से फील करती हैं कि भाई हमें नहीं पता ये हमारे लिए सूटेबल फील्ड है कि नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स भी है जो फील करते हैं कि नहीं, कोई स्टेबल जॉब मिल जाए तो वो बेहतर है। ये जर्नलिज्म का जो फील्ड है ये काफ़ी अनस्टेबल तरीके का है कि आपको अपने दिन का स्केड्यूल भी, अगर आप, मैं सुबह मॉर्निंग में मेरी मॉम अगर मुझसे पूछेंगे ना कि भाई आज का क्या प्लान है, तो मैं उनको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी नहीं पता है दिन में क्या क्या घटनाएं हो जाए, कहाँ कहाँ जाना पड़ जाए, कोई चीज जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। लेकिन वही चीज है ना, जिन लोगों में ये ड्राइव है एक्सप्लोर करने की या जो एडवेंचरस स्पिरिट है, उन लोगों के लिए ये फील्ड बिल्कुल परफेक्ट है। वो लोग अगर इस फील्ड में आएंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सेल इसलिए कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपका पैशन ही है जो आपको ड्राइव करता है। ना आपको फाइनेंसिस बहुत ज्यादा मिलेंगे, ना आपको और कोई चीज बहुत ज्यादा मिलेगी जो आपको इस फील्ड के साथ जोड़ कर रखेगी। तभी हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ अपने फ्यूचर में कि मैं जर्नलिज्म में ही कंटिन्यू करती रहूं, आज भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, और जो लोग मुझे आज इतना सपोर्ट कर रहे हैं दे कंटिन्यू टू सपोर्ट मी। मैं कभी उनको डिसअपॉइंट ना करूं, कभी उन्हें ये ना लगे कि हमने गलती कर दी कि हमने जो है इसे फॉलो किया या इसकी कभी खबर सुनी या इसकी किसी चीज को हमने देखा। वो मैं चाहती हूँ कि मुझसे वैसी गलती कभी कुछ ना हो। और साथ ही में यही कि आप, मैं चाहे स्ट्रेट लाइन से अभी अलग हो चुकी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेट लाइन को भी अपना प्यार देते रहे, और आगे भी मैं जहां भी जाऊंगी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करती रहूंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच पल्लवी। आई थिंक जो ये कुछ 20-25 मिनट आपके साथ गुजरे हैं, इट्स बीन रियली नॉलेज ड्राइव। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को पसंद आया होगा आपके जितने भी व्यूज़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने आपसे सीखी है पर्सनली, आई थिंक यू ऑलवेज नीड टू लर्न समथिंग न्यू, यू ऑलवेज नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि आपको फाइनेंसेस इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, यू डोंट हैव अ सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर इनको इनके गुरु मिल गए थे तो आई थिंक हर किसी को नहीं मिलेगा। बट यू नीड टू हसल, यू नीड टू पुश योर सेल्फ एंड आपको सुबह उठ के खुद को खुद बोलना है कि चलिए काम पर लग जाइए। और कुछ भी सर्टेन नहीं होगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन उस अनसर्टेनिटी से आपको अपनी राह कैसे बनानी है, इट्स ऑन यू। थैंक यू सो मच पल्लवी, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू हेयर, एंड आई होप कि आपसे बहुत जल्दी
मुलाकात हो फॉर समथिंग न्यू एंड बहुत सी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए. एंड इसी के साथ दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो आपका बहुत बहुत जो है अभिनंदन करता है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एंड यस इसी के साथ दोस्तों आप सुनते रहिए हमेशा युवा तरंग. एंड आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा हो. इन्हीं पर्सनालिटी से मैं आप सभी को मिलाती रहूंगी. एंड आपको हमेशा बने रहना 100.3 मेगाहर्ट्ज़ युवा तरंग के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद.